ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली ओलंपिक 2024 का समापन सफलतापूर्वक हो चुका है। दिल्ली ओलंपिक गेम में पहली बार शामिल हुई टोंग इल्मुडो मार्शल आर्ट दिल्ली टोंग इल्मुडो एसोसिएशन के द्वारा भी समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर पदक विजेता और दिल्ली सरकार में असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन स्पोर्ट्स रवि कुमार दहिया, ओबीसी कमीशन के चेयरमैन जगदीश यादव, दिल्ली सरकार में स्टेट प्रोग्रामिंग ऑफिसर डॉक्टर सत्यजीत सिंह और शहीद कैप्टन संजीव दहिया, सर्वोदय विद्यालय रोहिणी के प्राचार्य सतीश कुमार एवं भारतीय टोंग इल्मुडो महासंघ के अध्यक्ष सुधीर कुमार मलिक ने भी शामिल होकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। साथ ही दिल्ली टोंग इल्मुडो संगठन के सभी पदाधिकारियों को बधाई दी। इसके अलावा इस कार्यक्रम में दिल्ली टोंग इल्मुडो एसोसिएशन के चेयरमैन अरुण कुमार चौधरी, प्रेसिडेंट सारिका अहलावत, जनरल सेक्रेटरी सतीश कुमार चौधरी और टूर्नामेंट डायरेक्टर मास्टर मुकुल चौधरी के साथ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी चरणजीत सिंह, टूर्नामेंट कोऑर्डिनेटर प्रदीप चौहान के अलावा 14 स्कूलों के 250 बच्चे शामिल हुए। इस पूरे टूर्नामेंट में स्पार्टन क्लब के माध्यम से शहीद कैप्टन संजीव दहिया सर्वोदय विद्यालय को प्रथम स्थान, वहीं पियानसन अकेडमी के माध्यम से दिल्ली कैंट केंद्रीय विद्यालय को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। बच्चों के बीच पहुंचे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर पदक विजेता रवि कुमार दहिया ने उनका हौसला वर्धन किया। वहीं संगठन की ओर से उनका स्वागत गर्मजोशी से किया गया। समापन समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई, जहां बच्चों ने अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया। बता दें कि पिछले 10 वर्षों से संस्था ओलंपिक गेम में शामिल होने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन इस बार दिल्ली ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने का मौका मिला। संस्था का लक्ष्य है कि यह खेल भारतीय ओलंपिक और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स में भी शामिल कराया जाए, इसके लिए संस्था लगातार प्रयासरत है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर